अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैफ अली खान, आज़ाद न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। हम मोतीलाल, हम देवरकुंडा से आए इधर वॉचमैन के लिए। हम सार से पास 10 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे से तनख्वाह काल दिया तो मैं 7 बजे से ऑफिस से यही करके इधर आया। मैं पुलिस आके घर में डरा रहा, लेडीज़ पुलिस आया, डरा के मार के पैसा बिरवा रखे, बिरवा से पैसा ले लिया, टीवी फोड़ गया, पूरा तोड़ के चले गया डरा। कितने बजे हुआ है ये? 8 बजे से हुआ। वो जेलपल्ली का कमिश्नर है, पूरा आदमी आके छोड़ गया, म्युनिसिपल कमिश्नर डरा रहा। इधर कुंड रखा था मेरे को, कई कुरे रहता हूँ, मारने के लिए आया, भाड़ने के लिए ऐसा करो, गाली दिया, सो सामान पूरा तोड़ दिया। सामान नहीं निकाला पर तो पेट को धोख दिया, तो नहीं छोड़ के बात फें वो लोग निकाल के बात फेंक के चल तोड़ दिया। तो टांग में पड़ गया तो भी नहीं छोड़े सब। हम अब तो जाने की भी नहीं है साहब, किधर भी पैसे भी है अंदर, वो साड़े मरे। हम इधर से नहीं आए, हम गांव से आए, हमारा पूरा तोड़ के चले भाई। अब जाने के पूरा तो जंगल है सब, ये हम रहने को हाथ भी नहीं आए, उस विकलांग हुआ है नहीं भी बोला साहब ने। अब सुबह से धूप में रहा था साहब, कब से रह रहे? बहुत दिन से रह रहा साहब, हिसाब से 2 साल से यहाँ रह रहा हम लोग। वो सेठ लोग, वो लेडीज पुलिस भी धोख दिया, मैं हाथ में टांग में पड़ गया, हमारा बच्चे रो रहे थे भी नहीं छोड़े उन लोग, पूरा तोड़ के चले गए सब। अब रहने के किधर भी नहीं आए हमारे को, जरा गवर्नमेंट देख के हमारे को। सुभाष लेखराज गुप्ता और 6 अदर्स से परचेस करा मैं ये लैंड। मैं एग्रीमेंट होल्डर हूँ, तारिक साहब GPA होल्डर है। थोड़ा सुभाष साहब को जो है ना स्पीच प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है। उन्होंने 86 में परचेस करे ज़मीन पट्टेदारों से, कल्लम फैमिली, कंडडा फैमिली, परताला फैमिली और इन लोगों से जो लीगल हायर्स थे बाल रेड्डी के। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना रूमा बने हुए थे, इन लोगों के पोजिशन पर थे। लोगा जो है ना पोजीशन पर रहने के बाद उसके बाद में जो है ना आके म्यूनसिपल के ऊपर कोई केस डाले, रिसेंटली केस डाल के जो है ना हाई कोर्ट में जो है ना रिट डाले के इलीगल स्ट्रक्चर से, बल्कि ये जो है ना किसकी कारिस्तानी है, कौन बदमाशी करे हुए है, ये सब इंशाल्लाह आगे भी मालूम हो जाएगा। ये सेल लीडा हैं पूरे, ये पूरे सेल लीडा हैं, 7 सेल लीडा हैं, 2.25 एकड़ के सेल लीडा हैं, पूरे 7 सेल लीडा हैं। ये आपके हाथ में भी एक है, आगे बताइए। 16 एकड़ 26 घंटे ज़मीन है जी। इसका इंक्रोचमेंट हो रहा था बोल के, टीन शेड की फेंसिंग करे थे। ये इलीगल लैंड वैल्यू बढ़ने की वजह से इलीगल जो है ना ट्रेसपासिंग हो रही बोल के टीन शेड की फेंसिंग करे थे, हाईकोर्ट से परमिशन लेके। हाईकोर्ट में जाके ये बोले इलीगल जो है ना स्ट्रक्चर से बोल के बता दिए, बता के आज जो है ना म्यूनसिपल जिसमें रूमों में लोग रह रही, फैमिलीज रह रही, जो आप आके फ़ोटोज़ ले लिए, पूरा सामान के साथ है, बच्चों के साथ है, औरतें हैं, पूरों को पुलिस और म्यूनसिपल आके पूरा सामान बाहर निकाल के फेंक के जो है ना डेमोलिशन करे। नोटिस नहीं दिए हमारे को। हम कल जाके 30 तारीख को जाके 3 बजे हियरिंग भी अटेंड करें। हमारा पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्स के साथ, लाइट के बिलों के साथ, डोर नंबर्स के साथ हर चीज़ दिए। 1 लाख रुपए पर डॉक्यूमेंट, 1 लाख रुपए पर एक प्रॉपर्टी के, 1 लाख रुपए टैक्स भी पे कर रहे हैं म्यूनसिपल में, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो है ना हम मीटर्स लिए हुए, मीटर के बिल्स है या मीटर के बिला हैं यहाँ पर पे करे सो, समझ रहे हैं आप। ये पे करे सो बिल है, टैक्स की बिल है, टैक्स के जो है ना पूरे देखिए आप, 7 रूमों के 60 डोर नंबर विद टैक्स 99,554 रुपीस का एक एक प्रॉपर्टी का टैक्स है। इतना हैवी टैक्स दे रही सब करने के बाद आके डिमोलिशन करने का क्या वजह, और चोरों के वैसा जो है ना आके डिमोलिशन करें पूरे 7 विदाउट एनी इंटीमेशन। हम कल जाके म्यूनसिपल में 30 तारीख को हम जाके जो है ना हियरिंग नोटिस करके आए, हम जो हमारा एक्सप्लेनेशन देना था, सामने वाले भी आए,
उनका एक्सप्लेनेशन दिया, उनका क्या क्लेम है उन्होंने बताए। पहले हाईकोर्ट में जाना और रिपोर्ट जाना, रिपोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट डिसाइड करना कि भाई तोड़ना है नहीं तोड़ना है क्या है। हाईकोर्ट कोई ऑर्डर नहीं दिया, इलीगल टीन शेड्स लगे हुए हैं, बल्कि बोले रूमा भी तोड़ देकर चले गए। ये डोर नंबर म्यूनसिपल अलाट करी इसमें ना साहब, म्यूनसिपल अलाट करने के बाद में पूरे डोर नंबर अलाट करने के बाद में फिर हमारे को तोड़ने की क्या वजह है, तोड़ने की क्या वजह है, रिश्वत होना है क्या होना है, वजह क्या है, कितना लॉस हुआ टोटल आपका? 1 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया साहब। जिम्मेदार कौन है इसके लॉस को? कौन? म्यूनसिपल है, सीधा सीधा म्यूनसिपल है जिम्मेदार, जलपल्ली म्यूनसिपल है। पुलिस डिपार्टमेंट का रवैया ऐसा था, वॉचमैन लंबाड़ा है हमारा, उसको गाली गलौज, उसके बच्चों को निकाल के बाहर फेंके, मारे तोड़े उसको, समझ रहे? वो बेचारा अपाहिज है, कहाँ है तुलसी को बुलाओ, मोतीलाल इधर बुलाओ, ये बेचारा अपाहिज है, इसको जो है ना पूरा मार तोड़ के जो है ना गाली गलौज करके इसकी बीवी बच्चों के साथ जो है ना, हाथ उठा के बता, अपाहिज है उसको जो है ना मार तोड़ के पूरा सामान निकाल के बाहर फेंके उसका, तुम्हारे गाली गलौज करे। ऑलरेडी हम लोग जो है सो म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिए, प्रॉपर्टी कहाँ से, पूरा लीगल नोटिस दिए, एक्सप्लेनेशन नोटिस दिए, उसका हर चीज जो उन्होंने प्रोवाइड करो बोले हम प्रोवाइड करें, हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, हमारा डोर नंबर, लाइट के मीटर, हर चीज़ प्रोवाइड करें, हर चीज़ प्रोवाइड करने के बाद तोड़ दें। लीगल ओपिनियन भी दिए, लीगल नोटिस भी दिए। सिविल सूट पेंडिंग रहे सुबह, कैसा जाके आप जो है ना डिमोलिशन करते? ऑलरेडी जो उनको रिट पिटीशन आया था म्यूनसिपल कमिश्नर को, उसका रिप्लाई भी दिए हम लोग। किसके साथ, कुछ किसी के साथ फाइट चल रही, मतलब अगेंस्ट कौन है आपके? वी नरसिम्हा रेड्डी साहब, उन्होंने जो है ना एक फेक GPS रजिस्ट्रेशन बना लिए थे, उसका सूट एक ज़माने से चल रहा, हम डिक्लेरेशन फाइल करें, डिक्लेरेशन में उन्होंने बताना, ऑलरेडी फोरेंसिक रिपोर्ट है, फोरेंसिक रिपोर्ट में फेक थंब इंप्रेशनों के साथ फेक GPA बनाए, फेक GPA बना के रजिस्ट्रेशन कर लिए, बल्कि ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है, उसके ऊपर हम डिक्लेरेशन गए, समझ रहे? पोजीशन आज भी हमारा है, आज भी हमारा है, डिमोलिशन हुए हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं, लेकिन हम लोग ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई भी नहीं है। लेकिन यही बताना चाह रहे हैं, म्यूनसिपल की हद ये हो गई कि हमारा पूरा तोड़ने के बाद में ये पूरे शीट्स तोड़ के चले आ सकते ना, उसको तोड़ के बंद करके उधर ले जाके डाले, वहाँ बाजू में फेंक दिए, कहीं के वास्ते यहाँ कुछ भी नहीं रहना, इनका पोजीशन नहीं बता सकना इन्हों बोल के। हाईकोर्ट का लीगल अगेंस्ट, हाईकोर्ट जो है ना एक्सप्लेनेशन देना म्यूनसिपल कमिश्नर जाके हाईकोर्ट में कि भाई कहीं को तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, क्या मसला है बोल के। हाईकोर्ट में हम ऑलरेडी म्यूनसिपल के अगेंस्ट एक केस डाल दिए थे, रेड पिटीशन डाल दिए थे, सोमोटो के हिसाब से भी जो है ना 30 तारीख तक डेमोलिश नहीं करना, बल्कि सुमोटो था हाईकोर्ट इन जनरल जो है ना पूरों को दिया था कि कोई म्यूनसिपलिटी से कोई डेमोलिशन नहीं होना, वो एक्सटेंड होके 10 तारीख तक गया, समझ रहे? हाईकोर्ट हमारे को ऑर्डर दिया कोई डेमोलिशन नहीं होगा, ओरली बोले हमारे को अभिषेक रेड्डी साहब की बेंच पे कि कोई डेमोलिशन नहीं होगा, आप अपना जाके एक्सप्लेनेशन दीजिए वहाँ पर म्यूनसिपल में एक्सप्लेनेशन देने के बाद में फिर हम जाके जो है ना 27th की डेट दी हमारे को, उस टाइम पे डिसाइड करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन आ जान दो बोले। उससे पहले जो है ना आके किसके कहने पे, किससे पैसे लेके करे, क्या करे, हमारे को ऐसा कर रहे हैं जैसा कि हमारे को निकाल के दूसरे को कब्जा देना है। टिप्परा ला के जो है ना JCB ला के तोड़ दिए, इलीगल स्ट्रक्चर है, ठीक है तोड़ दिए, आप जो है ना JCB लगा के पूरा माल मटेरियल उठा के वहाँ फेंकने लगाते, कहीं को यहाँ पोजिशन हमारा नहीं था बताने के लिए, क्या वजह थी नहीं मालूम है ना। किसी को भी आने नहीं दिए, किसी को वीडियो लेने नहीं दिए, किसी से बात नहीं कर रहे, एक दो बच्चों को भी अरेस्ट करे थे, छोड़े एक बच्चे को अभी अंदर रखे हुए हैं तुम्हारे, अभी कोई ऑर्डर नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। लेके गए हमारे DVR लेके गए, हमारे क्या बोलते डोंगल था, डोंगल में सिम कार्ड लेके चले गए पुलिस वाले, समझ रहे? दो गाड़ियाँ लेके चले गए हमारे बच्चों के, जो यहाँ पर काम करने वाले बच्चे थे उन लोगों के, ये जुल्म था, ये पुलिस वालों का और म्यूनसिपल का जुल्म था सीधा सीधा। ऊपर से हमारे को धमकी आ रही कि प्रेस मीट नहीं करना, क्या करना? कौन सी धमकी? अब हम ऑफिशियली बोले तो हमारा नुकसान पहुंचाते।